वेलकम बैक लर्नर्स सॉरी लास्ट वीडियो में थोड़ा सा टाइम कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई सो लेट मी स्टार्ट रिक्रूटिंग पॉइंट रिक्रूटिंग वाला पॉइंट फिर से तो आपने एक बार पहले ये डिसाइड कर लिया कि हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हायरिंग न्यू एम्प्लॉयज फिर आपने जॉब डिस्क्रिप्शन अपना जॉब एनालिसिस सब कुछ कंप्लीट कर लिया वो करने के बाद यू कम अप टू रिक्रूटिंग के आपको अब ये इंप्लाइज को अभी तक देखिए आप रिक्रूटमेंट तक पहुंचे नहीं है अभी तक यू आर ट्राइंग टू यू स्टार्ट रिक्रूटिंग द नंबर ऑफ अब यूजुअली लोग रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट के अंदर गड़बड़ी कर देते हैं स्टाफिंग और रिक्रूटमेंट में गड़बड़ी कर देते हैं रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस इट इज जस्ट एन इनिशियल प्रोसेस इसके अंदर आप डायरेक्टली किसी इंप्लॉय को अगर आपने रिक्रूट किया है तो दैट मीन कि आपने उसको हायर कर दिया फाइनल कर दिया रिक्रूटमेंट के बाद भी कुछ स्टेजेस आते हैं सो so, रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है ये वाला जो स्टेप है आपका स्टाफिंग प्रोसेस में इसके अंदर अगेन थ्री स्टेप स्टेजेस है पहला जो स्टेज है दैट इज आइडेंटिफाइंग द सोर्सेज ऑफ रिक्रूटिंग सेल्स पीपल सबसे पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करेंगे कि हम अपने इंटरनल सोर्सेज से हायर करें या एक्सटर्नल सोर्सेज से तो इंटरनल सोर्सेज के अंदर होता है एम्प्लॉय रेफरल प्रोग्राम करंट एम्प्लॉयज एंड प्रोमोशन एंड ट्रांसफर अभी एम्प्लॉय रेफरल और करंट एम्प्लॉज में बहुत बेसिक फर्क है फॉर द जॉब बट करंट एम्प्लॉय से आप जो डायरेक्ट पूछ रहे हैं उसके अंदर यू आर नॉट गिविंग वेर इज एन एम्प्लॉय रेफरल प्रोग्राम ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है जहां पे आप अपने हर एक एम्प्लॉय को देते चल अगर तू तेरे साथ तीन और व्यक्ति लेके आता, ले आता है तो आई ऑफ बोनस इट कैन परसेंटेज इट कैन बी रुपीज इट कैन बी वट एवर बट आई यू दिस बोनस अगर आप उनको कैश बोनस नहीं देना चाहते तो यू गिव देम रिवॉर्ड आपने उनको कुछ सर्टिफिकेट दे दिया प्राइज दे दिया छुट्टी पे भेज दिया तो इस तरह से आप उनको रिवॉर्ड देते बहुत बेसिक है जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि एप्स के अंदर आपको कई बार आते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्विगी का कस्टमर हूँ और अगर मैं अपने किसी और फ्रेंड को अगर स्विगी पे रेफर करता हूं तो वो मुझे हो सकता है पचास रुपए बोनस दे दे रेफरल बोनस दे दे सौ रुपए रेफरल बोनस दे दे सो so, ये दोनों के बीच में फर्क है प्रमोशन एंड ट्रांसफर कैसे इंटरनल सोर्सेज होता है रिक्रूटमेंट का कि भाई आप अगर आपकी कोई पोजीशन खाली हुई है फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई सीनियर मैनेजर अगर रिटायर हो रहा है या जॉब छोड़ के जा रहा है तो आप बाहर से किसी को हायर करें उससे पहले प्रेफर मैं तो हमेशा तो तो होगा दूसरा आपके पास ऑलरेडी ट्रेंड एम्प्लॉय आ जाएगा आपके पास ट्रांसफर क्या होता है फॉर एग्जाम्पल की आपकी गांधीधाम ब्रांच का एक एम्प्लॉय जॉब छोड़ के जा रहा है या रिटायर हो रहा है तो आप अपनी भुज ब्रांच से या राजकोट ब्रांच से अगर किसी सेम लेवल के एम्प्लॉय को अगर आप ट्रांसफर करते हैं नाम तो उसको ट्रांसफर बोला जाता है पे. And, uh, sources, so पहले आप में, 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 में दिव्य भास्कर में आप एक टचुकड़ी डाल देंगे जो ये, छे, ये आपको जो एम्प्लॉय चाहिए वो आप डाल देंगे इंटरनेट बिगेस्ट सोर्स ऑफ फाइंडिंग फॉर एम्प्लॉय फाइंडिंग एंड फाइंडिंग जॉब फॉर जॉब सीकर ऑल्सो एंड जॉब गिवर्स ऑल्सो तो आजकल तो लिंक का जमाना है लिंक के अंदर आप आप डाल दीजिए पोस्ट डाल दीजिए डाल दीजिए या फिर आप किसी पोर्टल के साथ ज्वाइन अप कर सकते हो मॉन्स डॉट कॉम हुआ नौकरी डॉट कॉम हुआ तो वहां पे आप सर्च कर सकते हैं या इवन मैं तो इंटरनेट का ये भी यूज बोलता हूँ आजकल काफी बार देखा जाता है लोग फेसबुक पे पोस्ट डालते हैं आई तो एम लुकिंग फॉर सो और सो एंड या फिर व्हाट्सएप पे डालते हैं लुकिंग फॉर लुकिंग फॉर अ सेल्स पर्सन इतनी जॉब ऑफर कर दूंगा अगर आपके कोई कॉन्टेक्ट में है तो बताइए ये करके सो यू कैन यूज इंटरनेट इन मेनी वेज आप जो एमबीए के बच्चे जो ये कोर्स अटेंड कर रहे हैं आपके लिए एक बहुत बड़ा एक्सटर्नल सोर्स आपके ख्याल में होगा दैट इज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट आप डायरेक्ट कंपनी से ऑन कैंपस ऑन साइट प्लेसमेंट उठाते हैं ये प्लेसमेंट भी दो तरीके होती है एक होता है कि भाई आप पहले एस के लिए इंटर्नशिप के लिए ट्रेनिंग के लिए इंटरनेशनल प्रोग्राम के लिए स्टूडेंट्स को अपने पास इन्वाइट करते हैं उसमें से अगर आपको कोई स्टार परफॉर्मेंस दिखता है तो आप उनको प्री प्लेसमेंट ऑफर दे देते हैं कि भाई तूने हमारे पास ये इंटर्नशिप में काम किया फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद इंटर्नशिप में काम किया हमको आपका काम इतना अच्छा लगा इतना बढ़िया लगा कि हम प्लेसमेंट का वेट ही नहीं करने वाले हम आपको प्री प्लेसमेंट लेटर दे रहे हैं। आप अपना सेकंड ईयर कोर्स का कंप्लीट कीजिए और सीधा हमको ज्वाइन कर लीजिए सो दैट इज कॉल्ड प्री प्लेसमेंट या फिर आप नॉर्मल जो कैंपस प्लेसमेंट होता है वहां पर भी आप कर सकते हैं यू कैन ऑल्सो टेक हेल्प ऑफ एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज कई ऐसे रिक्रूटर्स होते हैं हेड एंटर्स होते हैं जो एम्प्लॉयमेंट में मदद करते हैं अदर कंपनीज अभी अदर कंपनीज में भी तीन तरह से आप उठाते हो एक आप अपने सीधे सीधे अपने कॉम्पिटिटर के फॉर uh, एग्जाम्पल अगर मेरा होटल है और मेरे को अपने होटल के लिए एक रेस्टोरेंट मैनेजर चाहिए तो मैं आजू बाजू में जो दूसरा कोई होटल का होगा रेडिसन का होगा या इन का होगा तो उसके रेस्टोरेंट मैनेजर को मैं अपने पास लाने की कोशिश करूंगा या फिर मैं कस्टमर्स को पूछता हूँ कि भाई आपके ध्यान में कोई जान पहचान में हो तो बताइए वी आर लुकिंग फॉर समबडी तो आप कस्टमर से पूछते हैं दे माइट रेफर समबडी आपको ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपका कस्टमर में से कोई इंसान अपनी इंडस्ट्री चेंज करना चाहता हो कोई एम्प्लॉय अपनी इंडस्ट्री चेंज करना चाहता हो तो वो भी आपके पास आ जाए और यू गो फॉर इवन नॉन कॉम्पिटिटर्स के चलो बी आउटसाइड द इंडस्ट्री मैं को थोड़ा नया फ्रेश टैलेंट देखना चाहता हूँ यू कैन डू दैट फिर ये भी कई बार देखा जाता है जॉब फेयर्स लगते हैं टाइम टू टाइम नौकरी मेला जॉब मेला ये सब लगते हैं तो वहां से भी आप हेड इंटिंग कर सकते हैं वंस यू आइडेंटिफाई कि भाई आपको कहाँ से रिक्रूट करना है यू विल नहीं ये करने से भी पहले यू विल इवेल्यूएट एंड सिलेक्ट द रिक्रूटिंग सोर्सेज अभी किस सोर्स पे कितना वजन डालना है वो आपके ऊपर हो सकता है कि आप प्रेफर करें कि भाई ठीक है मेरे को एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज को मैं कम वेटेज दूंगा बिकॉज क्यों उसके अंदर आपको कमीशन देनी पड़ेगी उसकी जगह आप प्रिफर करेंगे कि किसी अपने इंटरनल एम्प्लॉय को ही प्रमोट कर दूं या मेरा कोई करंट एम्प्लॉय मुझे कोई अगर रेफर कर दे तो ठीक है मुझे अगर उसको भी रिवॉर्ड देना पड़ा तो बाहर किसी एजेंसी को दू उसकी जगह अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को रिवॉर्ड तो दैट इज बेटर तो यू इवेल्युएट वेयर विल यू गेट योर एम्प्लॉयज फॉर एंड अब जाके आप कैंडिडेट्स को कॉन्टेक्ट करना शुरू करते हो देखिए कितने टाइम बाद कैंडिडेट अब अब ये कौन करेगा कॉन्टेक्ट जो जो आपने फर्स्ट स्टेप में जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई थी वो एवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टाफिंग ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टू स्टार्ट कॉन्टेक्टिंग द कैंडिडेट देन यू मूव ऑन टू दी नेक्स्ट स्टेप इन योर रिक्रूटमेंट प्रोसेस विच इज लेक्टिंग द मोस्ट सुटेबल एप्लीकेट अब ये सिलेक्ट कैसे करें कौन सबसे सिलेक्शन select, uh, select, uh, के लिए कौन सबसे अप्रोप्रिएट है तो उसके लिए भी पूरा प्रोसेस बनता है एम बी ए में हर चीज के लिए प्रोसेस बन जाता है तो यूलप अ प्रोसीजर और प्रोसेस एंड टूल्स फॉर मेजरिंग एप्लीकेंट्स अगेन्स जॉब स्पेसिफिकेशन और क्वालिफिकेशन आपने जो जॉब स्पेसिफिकेशन डाली है उसके सामने कौन सा एम्प्लॉय कितना सूटेबल है किसमें कितना दम है वो आप उसके लिए ये प्रोसेस फॉलो करते हैं तो ये पूरी प्रोसेस बहुत डिटेल में नहीं समझाऊंगा आपको क्विकली आई रन रन थ्रू थ्रू दिस आपको समझ में आ जाएगा इट इज वेरी इंटेटिव सबसे पहले आप रेज्यूमे स्क्रीन करते हैं आप क्या करते हैं पहली बात आप क्या डालते हैं जैसे ही को कॉन्टेक्ट करते हैं प्लीज मेल योर रेज्यूमे प्लीज सेंड योर रेज्यूमे आप अपना उनका रेज्यू में हैं रेज्यूमे क्या हुआ बायोडेटा सीवी वो सब आप मंगवाते हैं उसके इसको रेज्यूम मत बोलिए बोला कीजिए प्लीज इट इज रेज्यूमे ठीक है फिर आप उसको एप्लीकेशन बैंक अपना एप्लीकेशन देते हैं एप्लीकेशन देने के बाद अगर आप पहली बात तो अगर आपको रेज्यूमे ही ठीक नहीं लगा इंसान के पास क्वालिफिकेशन ही नहीं है आप ढूंढ रहे हो कंप्यूटर इंजीनियर और कोई अगर अपना इंटरनल इंटीरियर डिजाइनर अगर आपको कॉन्टेक्ट कर रहा है तो आप रिजेक्ट कर देंगे फिर आप एप्लीकेशन ब्लैंक ब्लैंक एप्लीकेशन उसको देते हैं उसमें उसके बेसिस पे भी आप रिजेक्ट करते हैं अगर एप्लीकेशन फॉर्म ही आपको सुटेबल नहीं लगा देन यू कंडक्ट दी इनिशियल इंटरव्यू इनिशियल इंटरव्यू में आपको ठीक नहीं लगा तो यू मेट रिजेक्टेड वो राउंड क्लॉस उसने क्रॉस कर लिया तो आप इंटेंसिव

आपका टेस्ट लिया जाता है बाकायदा ये आपका एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं है इंटरव्यू के बाद आपने इंटरव्यू में जो बातें क्लेम की हुई है उसके ऊपर आपको टेस्टिंग की tested, project, exam, so, टेस्टिंग की की जाती जाती है है यू आर टेस्टेड दिस दिस कैन 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 बी 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 अ अ प्रोजेक्ट एग्जाम इट एनीथिंग सो एक बार आपने ये सब क्लियर कर दिया यहाँ पे कहीं पे भी आप फेल हो गए तो यूल बी रिजेक्टेड ओके बी रिजेक्टेड और अगर आप रिक्रूटिंग कर रहे हो तो आप जो भी व्यक्ति ये सब चीजों को फेल कर रहा है तो यूल बी रिजेक्टिंग नेक्स्ट स्टेप जो आएगा दैट विल बी

तो आप अपना जॉब ऑफर जॉब ऑफर लेटर भेजते हैं कैंडिडेट्स को जो आपको सुटेबल कैंडिडेट लगे जिसने ये सारे स्टेप्स क्लियर कर लिए उसको आप अपना कंपनी की तरफ से ऑफर लेटर भेजेंगे अब ये ऑफर लेटर के अंदर कुछ की कंपोनेंट्स होते हैं दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल डेजिग्नेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड कंपनसेशन भाई आपको क्या जिम्मेदारी मिलने वाली है आपको क्या डेजिग्नेशन आपके नेम प्लेट पे आपके विजिटिंग कार्ड के ऊपर क्या अहदा लगेगा तो वो प्रेस्टीज हुई उसके साथ साथ क्या आपकी जिम्मेदारी आएंगी विद एवरी ग्रेट पावर कम्स सिबिलिटी सो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी आपकी क्या जिम्मेदारियां होंगी और ये जिम्मेदारियों का आपको क्या उसके एवज में क्या मेहनताना मिलेगा क्या कंपनसेशन मिलेगा वो आप यहाँ पे डिसाइड करते हैं तो यूजुअली नॉर्मली क्या देखा जाता है ऑफर लेटर में तो एक तो सैलरी मेंशन होती है सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आप इंसेंटिव परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव आपको क्या मिलेगी आप कितना परफॉर्म करोगे तो क्या बोनस इंसेंटिव

मेडिकल एक्सपेंस मैंने अभी आपको बोला कि आजकल ग्रुप इंश्योरेंस होता है कंपनीज के अंदर मेडिकल इंश्योरेंस होता है तो उसके लिए फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है अदर कोई अगर आपको कोई फ्रिंज बेनिफिट्स हुए और कोई भी फ्रिंज बेनिफिट्स आपको जैसे कंपनी देना चाहती है फॉर एग्जाम्पल एक फ्रिंज बेनिफिट जो दिमाग के अंदर आता है वो रीलोकेशन एक्सपेंस जिस मैं अहमदाबाद में रहता हूँ अभी वापस मुझे गांधीधाम आना पड़ेगा तो ट्रेवलिंग का खर्चा लगेगा मूवर्स एंड उनको पैकर्स एंड मूवर्स को आयर करना पड़ेगा तो ये आपको फ्रिंज बेनिफिट के अंदर मिल जाता है या कोई और खर्चा अगर आप करते हो कंपनी के भी आप पे तो आपको उसका रिएमबर्समेंट मिलेगा या नहीं फिर व्हाट विल बी योर प्रोबेशनरी पीरियड आपको कितने टाइम पे ट्रेनिंग और टेस्टिंग पे रखा जाएगा तो कई कंपनियां डायरेक्ट परमानेंट करने से पहले आपको एक प्रोबेशन पीरियड पे रखती है देन व्हाट विल बी योर लास्ट डे ऑफ ज्वाइनिंग मतलब किसी भी कंपनी को पूछोगे कि सर व्हेन कैन आई ज्वाइन तो वो तो बोलेंगे आज से ही तो आपको अपनी पुरानी जॉब छोड़नी पड़ेगी या अगर आपको अपना कोर्स पूरा करना पड़ेगा तो वट इज योर लास्ट डे ऑफ ज्वाइनिंग मतलब आप कब तक ज्वाइन कर सकते हो वट इज द डेट ऑफ ज्वाइनिंग वो यहाँ पे किया जाएगा Usually लोग मैं डेट लिखते हैं डेट नहीं होता है टेक्निकली इट शुड बी द लास्ट डे ऑफ इससे लेट आप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं. फिर डेजिग्नेशन जॉब टाइटल क्या होगा वेदर यूर मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर और एरिया सेल्स मैनेजर जो भी आपका विजिटिंग कार्ड पे टाइटल लगता है वो इसके अंदर होगा

अब कई बार कैंडिडेट नहीं एक्सेप्ट करते हैं दे मॉट नॉट फाइंड द जॉब सुटेबल इनफ उनको लगता है कि यार मेरी जो उम्मीद थी वो उम्मीदें मेरी इधर पूरी नहीं हो रही है या फिर उसको किसी और कंपनी से ऑफर आ गया तो इसके कारण भी वो रिजेक्ट कर सकता है तो देर कैन बी मेनी रीजन वाई द कैंडिडेट इज रिजेक्टिंग द जॉब तो एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है एक्सेप्टेंस के लिए आप क्लियर कट मेंशन करते हैं कि भाई ये ऑफर लेटर कितने दिन तीस दिन तक वैलिड है पंद्रह दिन के लिए वैलिड है पांच दिन के लिए वैलिड है तो जो ये जो आपने ऑफर लेटर दिया उसको कितने टाइम में एक्सेप्ट करना है वो आप टाइम मेंशन करते हैं साथ ही साथ आप एक चीज और मैंशन करते हैं कि कौन सी चीजों पर आप नेगोशिएट करने को तैयार हो फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोलते हो कि भाई सैलरी वैलरी की तो हम नेगोशिएशन करेंगे ही नहीं तो वो एम्प्लॉई पहले ही समझ जाएगा कि चलो भाई ठीक है नॉट बट कोई दूसरे जैसे कुछ फ्रिंज बेनिफिट्स हुए कुछ मेडिकल बेनिफिट्स हुए वो अगर आप सुनने को तैयार हो तो यू मेड सजेस्ट वेदर यू आर रेडी टू negotiate or नॉट अब ये जो लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट आप बनाते हैं इसको बहुत ध्यान से यूजुअली मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में देखा है कंपनीज भी एम्प्लॉइज भी companies अपनी employee, ये एम्प्लॉयमेंट लेटर के अंदर जॉब ऑफर के अंदर कुछ भी लिख देती पूरे चांद तारे आकाश पूरा संसार प्रॉमिस कर देती है और फिर उसको पूरा करने में हालत खराब हो जाती है वहीं फिर एम्प्लॉयज भी बिना ऑफर लेटर पढ़े कि क्या है कि कुछ साहब नौकरी चाहिए नौकरी दे दो नौकरी दे दो उठा के सीधा साइन कर देते हैं उसको कुछ पढ़े बिना ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के अंदर मैंने देखा है कि फिर दोनों जने सफर करते हैं अब इसलिए इसके अंदर कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो आप लिख रहे हो सोच समझ के लिखिए और एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप जिस चीज पे साइन कर रहे हैं उसको सोच समझ के साइन कीजिए क्यों क्योंकि एक बार ये जो ऑफर लेटर कंपनी ने दिया और आपने उसको साइन कर लिया इट बिकम्स अ लीगली एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एन सेवन तो हम कॉन्ट्रैक्ट तो सेवन फोर के अंदर पड़ेंगे क्या होता है डिटेल में नहीं आपको पढ़ाऊंगा बट ये कॉन्ट्रैक्ट जो होता है दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द कैंडिडेट मतलब इसके अंदर कुछ भी फिर अगर आप गड़बड़ करते हैं किसी सी, किसी भी बात में मुकरते हैं तो एम्प्लॉय अपनी कंपनी को अदालत उठा के ले जा सकता है या कंपनी एम्प्लॉय को उठा के अदालत ले जा सकती है तो फिर लीगल बैटल शुरू होती है और लीगल बैटल में तो क्या होता है वो मुझे बहुत ज्यादा समझाने की आपको जरूरत नहीं है दैट्स द रीजन यू यू हैव गॉट टू टू फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड दिस लेटर वेरी केयरफुली हम अगर सेल्स मैनेजर के परस्पेक्टिव से बोल रहे हैं तो बहुत ध्यान से इस लेटर को ड्राफ्ट कीजिए और अगर एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं तो इट शुड बी रेड वेरी केयरफुली बिफोर साइनिंग इट ओके फिर जो लास्ट स्टेप आता है हमारा सिलेक्शन प्रोसेस में एक बार आपने जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर ली या आपने किसी रिक्रूट को हायर कर लिया उसके बाद ये प्रोसेस शुरू होती है विच इज सोशलाइजेशन सोशलाइजेशन ऑफ द न्यू अब के भी दो स्टेजेस होते हैं पहला होता है बेसिक दिस इज द द प्रोसेस थ्रू न्यू सेल्स पर्सन लर्न वैल्यू नॉर्म्स एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ पीपल वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि बेसिकली कोई आपके पास नया एम्प्लॉय आया तो उसको आप किस तरह से अपनी कंपनी में वेलकम करते हैं क्या आपके तौर तरीके हैं फॉर्मल कल्चर है इनफॉर्मल है व्हाट इज द ड्रेस कोड Uh, किस तरह से लोग एक दूसरे से बात करते हैं तो इस तरीके से आप उसको एक कंपनी के अंदर वेलकम करते हैं देन आप सेल्स सेल्स पर्सन पर्सन को जो नया है उसको यू ट्राई टू टू इंट्रोड्यूस देम योर न्यू जॉब उनके वर्क एनवायरनमेंट में कलीग्स कौन है क्या है तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं फॉर्मल अनाउंसमेंट करके फ्रेशर्स कई बार फ्रेशर्स लंच कई कंपनियां करती है कि भाई लंच ब्रेक के अंदर एक छोटी सी उसकी टीम को उसके डिपार्टमेंट को ट्रीट देके उसके साथ इंट्रोड्यूस इंट्रोडक्शन कर सकते हैं यू कैन ढंग से नहीं करती लोग सोचते हैं नौकरी पे रख लिया बात पूरी होगी ना अब इसके अंदर और बहुत ज्यादा इनको इनकी आप भगत करने की क्या जरूरत है क्या इसको नए एम्प्लॉय से पुराने एम्प्लॉय से मिलाना जुलाना ये सब क्या करने की जरूरत है चलो आज भाई तुमको ऑफर हायर कर दिया कल से ऑफिस आ जाना नए रिक्रूट को पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है किससे मिलना है क्या करना है कौन मेरा बॉस है मेरी चेंबर कहां है उसको कुछ मालूम नहीं है बस सीधा आके बैठ गया तो अगर ढंग से सोशलाइजेशन नहीं होती तो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते एंड दे मे सून लीव द कंपनी सो सक्सेसफुल सोशलाइजेशन अगर आप करते हैं तरीके से देखो हर एक इंसान लास्ट में इज्जत का भूखा है प्यार का भूखा है खासकर अगर आप पढ़ी लिखी जॉब्स के ऊपर जा रहे हैं व्हाइट कॉलर जॉब्स के ऊपर जा रहे हैं यहाँ पे इतना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं आप मैं बोलता हूँ एक साइड बोलता हूँ कि आप लोग सेल्स मैनेजर्स बनेंगे फ्यूचर के बट सेल्स मैनेजर बनने से पहले आपको हिरार की चढ़ना पड़ेगा आप सेल्स uh, बनेंगे बनेंगे असिस्टेंट्स तो आप जब इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद आप एक ढंग से कोई आपको सोशलाइज करे ढंग से अपनी कंपनी में वेलकम करें दैट इज योर डीसेंट बेसिक एक्सपेक्टेशन तो अगर ये सक्सेसफुल होता है तो इट रिजल्ट्स इनटू टू इन वेरी गुड जॉब सेटिस्फेक्शन एंड इंप्रूव्ड जॉब परफॉर्मेंस

नॉर्म्स और वैल्यूज ऑफ द कंपनी को फॉर्मल तरीके से समझने की कोशिश करते हो जैसे कि आपको एक वैल्यू स्टेटमेंट मिल जाएगा आपको एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स मिल जाएंगे यू विल बी गिवन योर वर्क फ्लो ये सब नॉम्स एंड वैल्यूज आपको समझाए जाएंगे और यू विल बी लर्निंग वेरियस एक्टिविटीज टू परफॉर्म द सेल्स जॉब आपको सेल्स जॉब परफॉर्म करने के लिए क्या क्या आपको करना है वो आपको सिखाया जाएगा कई कंपनियां ये जो असीमुलेशन का जो प्रोसेस होता है मैंने खासकर बैंकिंग कंपनीज के अंदर तो बहुत देखा है कि ये असिमिलेशन और सोशलाइजेशन प्रोसेस करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम करने से मुंबई के आईसीआईसी का लोनावला के अंदर, के अंदर uh, बहुत सीनिक ऐसी जगह ट्रेनिंग सेंटर ये लोग रखते हैं वहां पे ले जाएंगे एंड दे विल ट्राई टू सोशलाइज यू एंड गिव यू एंड देन पुट यू इन द जॉब सो विद Con completed this chapter on organizing and staffing the Salesforce. Uh, next time, we will start a new topic. Thank you so much.